नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीकम सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड के रिजल्ट का कैसे वेरिफिकेशन करें, यानी कि अगर आपका रिजल्ट 2003 का है, 2005 का है, 2009 का है, 2011 का है, यानी कि किसी भी सन का है, 2003 से और अब तक के किसी भी सन का है, तो आप उस रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं, अभी भी कैसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यही बात की जाएगी कि आप अपने रिजल्ट का कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं या अपनी मार्कशीट का कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि वो जो है मार्कशीट में जो मार्क्स दिए गए हैं वो सही हैं या किसी ने फ्रॉड तो बनाकर नहीं दे दिया है या किसी की मार्कशीट फ्रॉड तो नहीं है, तो ये सभी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रिजल्ट का कैसे वेरिफिकेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी मोबाइल अपना सीएससी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं जो बिल्कुल हिंदी में होते हैं और फ्री होते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है गूगल को ओपन कर लीजिए और गूगल में टाइप कीजिए यहाँ पर यूपी रिजल्ट। जैसे ही आप यूपी रिजल्ट टाइप करते हैं तो आपके पास कई सारे रिजल्ट खुल के आ जाते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, आपको सेकंड नंबर के रिजल्ट पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट, इस पर आपको क्या करना है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है इसका होम पेज आ जाता है वेबसाइट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट वेरिफिकेशन। तो आपको करना क्या है, सिंपली अगर आप हाई स्कूल के रिजल्ट का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप हाई स्कूल पे क्लिक कर दीजिए। हाई स्कूल का कंपार्टमेंट रिजल्ट है यानी इम्प्रूवमेंट रिजल्ट है तो इम्प्रूवमेंट रिजल्ट को देख सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के रिजल्ट का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे हम हाई स्कूल का करना चाहते हैं तो हाई स्कूल पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम हाई स्कूल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है हाई स्कूल रिजल्ट वेरिफिकेशन। तो जैसे हमने 2009 में क्या है आपको दिखाए थे, 2009 में हमने क्या है, और यहाँ पे हम अपना रोल नंबर डाल देते हैं। चलिए हम यहाँ पे रोल नंबर फिल कर दिया हमने अपना। ठीक है, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, NL यहाँ पे ये कैप्चा कोड एंटर करा देते हैं, NLEAL। ठीक है, और इसको सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखा देते हैं कि आप हमारा रिजल्ट शो हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रोल नंबर आ गया है और यहाँ पे नीचे नेम आ गया है और यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ भी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे फादर का नेम भी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट थे यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं सब कुछ वही रिजल्ट होता है जिस टाइम सन 2009 में जब ये रिजल्ट आता है उसी टाइम का बिल्कुल सेम रिजल्ट यहाँ पे होता है। और किसी वेबसाइट पे ये रिजल्ट का वेरिफिकेशन नहीं होता है, ये जो है upmsprizult.up.nic.in पर ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप हमारे मार्क्स भी देख सकते हैं कि हमने 600 में से कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आप जो है ऐसे अपने रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं या किसी कस्टमर का रिजल्ट का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट का कैसे वेरिफिकेशन करते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे करना चेक हेयर टू ट्राई अगेन विद अनदर रोल नंबर, इस पर क्लिक कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट रिजल्ट का वेरिफिकेशन करना है। इंटरमीडिएट रिजल्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे अब हम सन चुन लेते हैं, अपना ही चुनते हैं। ठीक है, सन 2011 में हमने क्या है, और यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करा देते हैं, XLPRC, इसको सबमिट करा दीजिए। ठीक है, जैसे ही सबमिट कराते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर मेरा रोल नंबर और नीचे नाम है, यहाँ पे फादर नेम है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट भी दिखाए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने मार्क्स हैं वो भी यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो आप दोस्तों रिजल्ट का वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।